दोस्त पराए देखी करी चला हसत हसत, अपने नजर ना आवही जिनका आदि ना अंत। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो दूसरों में दोष देखता है तो हंसता है, पर उसे अपने दोष नजर नहीं आते, जिसका ना तो आदि है ना ही अंत है। अपने में बहुत सी कमजोरियों के बाद भी हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो दूसरों से जरा सी कमी से हम उनसे नफरत भला कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए। मनुष्य का हृदय कभी भी नहीं भरता धन से, पद से, ज्ञान से, उसे किसी भी चीज से भरो वो खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वो बनाया ही नहीं गया है। मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता चला जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती, क्योंकि ये हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। संसार का नियम ही यही है, जो उदय हुआ है वो अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा भी जाएगा, जो चिना गया है एक दिन वो भी डह जाएगा, और जो आएगा वो जाएगा। जहां जिसका दाना पानी होता है समय उसे वहां जरूर बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने अपने नसीब का ही खाते हैं। अहंकारी इंसान अंधे की तरह होता है, जिसे ना तो अपनी गलती दिखाई देती है ना दूसरों की अच्छाइयां। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और इज्जत करना ना सीखे तो समझना उसने कुछ सीखा ही नहीं। तीन चीजें बहुत मुश्किल है, राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और समय का सही इस्तेमाल करना। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते, डरो तो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथों छोड़ देते हैं। बहस और तानों से रिश्ते कमजोर होते हैं, इसलिए अपनों से कभी ऐसी लड़ाई मत करना कि लड़ाई तो जीत जाओ पर अपनों को हार जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य अपने लिए, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण। सम्मान से जिए, अभिमान से नहीं। पत्थर में एक ही कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वो कभी बदलता भी नहीं। कोई मुश्किल वक्त में आपके सामने झुका हो तो उसे झुका हुआ ही समझना, गिरा हुआ नहीं। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो ईश्वर का शुक्र अदा करना कि उसने उस जरूरतमंद इंसान की मदद के लिए तुम्हें जरिया बनाया है। किसी की मदद करते वक्त उसकी आंखों में ना देखना, क्योंकि हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे अंदर गुरूर का बीज बो दे। तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हें बुरा समझे, ये बेहतर है बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों के अंदर तलाश करने को ही शक कहते हैं, और शक सभी रिश्तों को खा जाता है, उन्हें खोखला कर देता है। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, एक एक करके सबने चले जाना है, पीछे बस यादें रह जानी है, सिर्फ और सिर्फ यादें। कोशिश करो कि बेशक सब टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आपका किया। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।